गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। माय नेम इज़ दीपाली गर्ग। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि क्लास 9, 10, 11 तो 12 सभी क्लास के बच्चों के लिए ईएमसी की वर्कशीट होती है, आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। क्योंकि बच्चों, ईएमसी की वर्कशीट हमारी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि एक तो हमारी इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, हमारी समझ बढ़ती है, क्योंकि हम समाज में अपने पेरेंट्स के साथ जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारे लक्ष्य होते हैं, हम इन वर्कशीट के थ्रू हमारी समझ बढ़ती है कि हम उन्हें किस तरह से अपने लक्ष्यों तक पहुँच सकते हैं, कैसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों की ये ईएमसी की वर्कशीट जो है, ये 19 है, ईएमसी की वर्कशीट 19 है, और क्लास 9, 10, 11 और 12 सभी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज की इस विश्वास बच्चों बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं या किसी व्यक्ति का हमारे ऊपर विश्वास होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके विश्वास को ना तोड़ें, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन टूटने में इसको एक मिनट भी नहीं लगती। और अगर एक विश्वास अगर हमारा टूट जाता है, तो शायद बहुत मुश्किल से ही दोबारा हम उस व्यक्ति पर अपना विश्वास बना पाते हैं। तो बच्चों, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे टास्क, जो हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलिए उनको भी करेंगे। तो बच्चों पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ दिन पहले आपने ईएमसी के बारे में फीडबैक दिया, क्योंकि हमारे जो लास्ट वर्कशीट आई थी, एक फीडबैक मांगा था इन्होंने हमसे, हमारी समझ पूछी थी। तो यही बताया है, हमें पूरा विश्वास है कि हम ईएमसी को आपके फीडबैक की मदद से बेहतर रूप दे पाएंगे। आपने भी इसी भरोसे के साथ फीडबैक फॉर्म भरा होगा। इस सप्ताह की यह वर्कशीट भी विश्वास के बारे में है। विश्वास मतलब ट्रस्ट के बारे में है कि किस तरह से हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और किस तरह से हम ट्रस्ट को बनाकर रख पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक मज़ेदार गतिविधि से। तो बच्चों, इसमें एक पहले गतिविधि दी गई है, आप यह गतिविधि अपने परिवार के सदस्यों के साथ करें। तो आप स्वयं पत्ता बनेंगे और परिवार के अन्य सदस्य आपके रक्षक बनेंगे, जो कि आपके यानी पत्ते के चारों ओर एक घेरा बनाएंगे। पत्ता अपनी आंखें बंद करेगा और आगे या पीछे फ्री फॉल रहेंगे और आपको गिरने से बचाएंगे। आपके बाद परिवार का कोई और सदस्य पत्ता बन सकता है और आप रक्षक बन सकते हैं। मतलब क्या बताया गया है इसमें, कि समझो कि आप पत्ते हो और आप गिर रहे हो, है ना। गिरने से मतलब यह है कि आप अपना विश्वास खो रहे हैं। तो परिवार के लोग किस तरह से आपकी मदद करेंगे, किस तरह से आपको दोबारे से तैयार करेंगे कि आप किसी व्यक्ति पर अपना विश्वास बना सकें। तो फिर दोबारा बताया गया है कि दोबारा फिर ऐसा है कि परिवार के किसी दूसरे सदस्य, परिवार का कोई और सदस्य, मतलब किसी की नज़रों में गिर रहा है, उसका विश्वास ख़त्म हो रहा है, तो आप उनको कैसे समझाएंगे कि नहीं, दोबारा से आपको अपना विश्वास बनाना है, उनके विश्वास को जीत कर दिखाना है। तो इस तरह की गतिविधि है ये बच्चों। गतिविधि के बाद नीचे दिए गए प्रश्न अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करके लिखिए। गिरने वाले से प्रश्न पत्ता और बचाने वाले से प्रश्न रक्षक। तो इस तरह से देखो बच्चों, दिए गए हैं आपको गिरने से पहले, गिरते समय और गिराने के बाद कैसा लगा होगा। तो बच्चों, आपको गिरने से, जैसे कि आप सपोज करिए कि आप पत्ता हैं तो आप गिर रहे हैं, तो गिरते समय और गिराने के बाद आपको कैसा लगा होगा, तो आपको लिखना है, ठीक है। और आपके परिवार के सदस्यों को गिराने से बचाने से पहले, बचाते समय और उसे बचाने के बाद कैसा लगा होगा, है ना। आपने फ्री फॉल करते हुए क्या किया, जैसे कि आप आंखें बंद करके नीचे गिर रहे हैं, पत्ता हैं आप, तो आपने क्या किया, आपको अच्छा ही लग रहा होगा, है ना। तो इस तरह से आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, आपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए क्या किया।
तो बच्चों मैं तो यही कहूंगी कि जो ये विश्वास छोटे बच्चे हैं 9th 10th 11th 12th के, हमें विश्वास किसी का तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो अपने पेरेंट्स का, अपने अध्यापकों का विश्वास, जो इतना विश्वास हम लोग पर करते हैं, हम बच्चे हैं, हमें हमारे लिए वो हमारे पेरेंट्स माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दबाकर पहले हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तो बच्चों अगर मतलब उनका विश्वास हमारे ऊपर ये है कि वो बुढ़ापे में हमारी सहायता करेंगे, है ना, और अगर हम ही उनका विश्वास तोड़ देते हैं, बुढ़ापा आने पर हम उनकी मदद नहीं करते, उनको सहारा नहीं देते, तो बच्चों ये बहुत गलत बात है। या किसी और भी तरीके से आपके पेरेंट्स, आपके अध्यापक आप पे विश्वास करते हैं, आपके अध्यापक को ही ले लो, अगर वो विश्वास करते हैं कि ये बच्चे प्रथम आकर दिखाएंगे और आप उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते हो, तो बच्चों काफ़ी ठेस पहुँचती है। तो आपको किसी के भी विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि परिवार का कोई सदस्य अगर गलत राह पर चल रहा है, आप पढ़े लिखे हो, तो आपको उनको क्या करना चाहिए, गिरने से बचाना चाहिए। गिरने से बचाना यहाँ पर यही अर्थ इसका है कि आपको उनको समझाना चाहिए कि हम उन्नति, हम अपने लक्ष्य को, हम अपने गोल को अपनी लाइफ में तभी अचीव कर सकते हैं, तब हम खुद तो अच्छे हैं ही, लेकिन हम साथ साथ दूसरों को भी अच्छा बनाएं, दूसरों को अच्छी सीख दें। हम पढ़े लिखे हैं तभी बच्चों समाज, हमारा राष्ट्र उन्नति कर सकता है। तो बच्चों देख लेते हैं, निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए और उन्हें अपने किन्हीं दो साथियों के साथ फ़ोन पर चर्चा कीजिए कि मतलब आप ये देखिए पहले। है या फेसबुक पर आप इसको अपलोड कर देना। आपने अपने दैनिक जीवन में हम विश्वास या भरोसा कैसे समझते हैं या कैसे दर्शाते हैं, आइए जानते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए और अपने किन्हीं दो साथियों के साथ फ़ोन पर चर्चा कीजिए कि इसमें किसका विश्वास या भरोसा बन रहा है या टूट रहा है और कैसे। बच्चों नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस आपके सामने रखी हैं, आपको बताना है कि इसमें विश्वास बन रहा है या टूट रहा है। अपनी चर्चा करनी है आपको फ़ोन पर, ठीक है, अपनी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को भी लिखना। तो बच्चों देख लेते हैं पहली चर्चा इन्होंने हमारे साथ क्या लिखी है। बिना ट्रैफिक लाइट वाले सिग्नल से लाल बत्ती तोड़कर आगे चले जाना। जैसे कि अगर हम लाल बत्ती को तोड़कर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करते हुए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे हम क्या किसी का विश्वास बना पा रहे हैं, किसी का विश्वास तोड़ रहे हैं। बच्चों इससे हम विश्वास तोड़ रहे हैं किसका, इससे हम समाज का और कानून का विश्वास तोड़ रहे हैं, है ना, विश्वास तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बच्चों ये तो बहुत गलत बात है, फिर हम दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं कि वो भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। फिर तो रेड लाइट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इधर से भी गाड़ी आएगी, उधर से भी गाड़ी आएगी, और फिर तो बच्चों इंसिडेंट्स होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो इससे हम कानून का उल्लंघन, कानून का विश्वास तोड़ रहे हैं। विद्यार्थियों की परिस्थिति सुनकर टीचर द्वारा काम जमा कराए जाने के लिए अधिक समय देना। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे भी हम क्या कर रहे हैं, इससे हम विश्वास बना रहे हैं किसका, उसने काम पूरा नहीं किया और उसने टीचर को अपनी प्रॉब्लम बताई और टीचर उसे कह देती है कि ठीक है थोड़ा और समय ले लो। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी विश्वास बढ़ रहा है। किसका विश्वास बढ़ रहा है, इससे टीचर का विश्वास बढ़ रहा है बच्चों के लिए, है ना, विद्यार्थियों के लिए विश्वास बढ़ रहा है कि विद्यार्थियों ने अपनी सही बात को टीचर के साथ शेयर किया, विद्यार्थियों के लिए विश्वास बढ़ रहा है क्योंकि हमें सही कंडीशन, सही परिस्थितियां अध्यापकों को बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए।
तीसरा देख लेते हैं, ऑनलाइन क्लास से नेटवर्क कम होने का बहाना बनाकर चले जाना। ये तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा विश्वास तोड़ने वाली बात हो रही है कि हम बहाना बना रहे हैं ऑनलाइन क्लास में कि नेटवर्क नहीं आ रहा। इससे तो हम सबसे ज़्यादा तो हम विश्वास तोड़ रहे हैं किसका? अध्यापकों का और अपने पेरेंट्स का विश्वास तोड़ रहे हैं, है ना। वो तो सोचते हैं उन्होंने किसी तरह से हमारे लिए फ़ोन अवेलेबल कराया कि बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो रही है, नए 10th 11th 12th में बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने देते कि आप बच्चों आप अपनी पढ़ाई करो। और अगर हम ये नेटवर्क कम का बहाना बना रहे हैं तो बच्चों ये हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। चौथे नंबर की कंडीशन हमारी आती है कि पूरे समूह के काम को केवल अपने नाम से दिखा देना, ये भी विश्वास तोड़ रहे हैं। किसका? समूह का विश्वास तोड़ रहे हैं, समूह का विश्वास तोड़ रहा है ना। क्योंकि काम तो जैसे पूरे ग्रुप ने मिलकर कोई काम किया, कोई जैसे कि हम किसी को ले लेते हैं कि कोई फंक्शन है और उसमें हमने डांस व्यक्ति ने कि एक डांस तो मैंने तैयार किया था, तो इससे बच्चों पूरे समूह के साथ विश्वास जो है हमारा टूट जाता है। अगर हम पूरे समूह के कार्य को केवल दिखा देते हैं कि ये कार्य हमने किया है, तो इससे हम समूह का विश्वास तोड़ देते हैं। तो बच्चों आगे हम देख लेते हैं, ये हमारे प्रश्न हैं जो हमें करने हैं। पढ़ाई के लिए फ़ोन मिलने पर YouTube आदि पर समय बर्बाद न करके पढ़ाई ख़त्म करते ही फ़ोन लुटा देना, ये भी हमारी पांचवी कंडीशन है। तो बताओ इससे हम विश्वास बना रहे हैं, विश्वास तोड़ रहे हैं? अगर हम पढ़ाई ख़त्म होते ही फ़ोन लुटा देते हैं तो इसका मतलब हम विश्वास बना रहे हैं, है ना। ये हमारी पांचवी कंडीशन है कि विश्वास बना रहे हैं कि हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई और अब हमने फ़ोन वापस कर दिया, समय बर्बाद नहीं किया, अपना टाइम को यूटिलाइज किया, तो इससे विश्वास बनता है। छठी कंडीशन है हमारी बीमारी का बहाना बनाकर किसी रिश्तेदार के घर घूमने चल जाने के लिए छुट्टी लेना। इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम विश्वास तोड़ रहे हैं। किसका? अपने पेरेंट्स का, अध्यापकों का, तोड़ रहे हैं। अध्यापकों का और पेरेंट्स का, पेरेंट्स का आप बच्चों लिख लेना, अध्यापकों और पेरेंट्स का विश्वास तोड़ रहे हैं छठी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, लीव एप्लीकेशन हम झूठी देते हैं कि हम बीमार हैं या कोई भी रिश्तेदार बीमार है और हमें कहीं घूमने जाना है, तो मतलब झूठ के बल पर हमें स्कूल से छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं देना चाहिए, अध्यापकों को धोखा नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ने पर हमें कभी फिर अगर छुट्टी ना दें, तो इसलिए बच्चों हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। आगे देख लेते हैं, अब सोचकर लिखिए। बच्चों अब आपके दो प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर मैंने नीचे लिखे हैं कि किसी तरह से आपके प्रश्न हैं हमारे, किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना क्यों जरूरी है? कोई हमारा विश्वास तोड़ दे तो, या किसी का विश्वास हम तोड़ दें तो क्या हो सकता है? इन दोनों के उत्तर मैंने नीचे लिखे हैं बच्चों। उसके बाद हम देख लेते हैं, लोगों से बात कीजिए और विभिन्न कार्य करते हैं, उनसे निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित उदाहरण पूछिए और लिखिए। अगर कोई उदाहरण आपने अनुभव किया है तो वह भी लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे कि देखो जरूरी नहीं है यही उदाहरण है, आपने जो भी अनुभव किए हैं अपनी लाइफ में आप वो कुछ और भी शेयर कर सकती हैं। ग्राहक और एंटरप्रेन्योरों के बीच विश्वास, दर्जी द्वारा ग्राहक को नियत समय पर कपड़ा सिलकर दे देना। दो बच्चों इससे दर्जी भी खुश रहते हैं कि उन्होंने सही टाइम पर काम कर दिया है, उन्हें सही टाइम पर पैसे मिल जाते हैं और ग्राहकों के बीच भी विश्वास बढ़ता है। ग्राहक फिर अगर सही टाइम से उनके कपड़े वापस मिल जाते हैं, उनकी सिलाई के कपड़े उन्हें वापस मिल जाते हैं, तो ग्राहक बार बार उसी दुकान पर जाता है। ग्राहकों के बीच में और दर्जियों के बीच में विश्वास बढ़ता है। वीडियो गेम बनाने की कंपनी के मालिक द्वारा अपने बच्चों को वीडियो गेम न खेलने देना। बच्चों ये गलत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं विश्वास में कमी है, तभी तो अपने बच्चों को वीडियो गेम नहीं खेलने दे रहे ना कंपनी।
मुनाफा होने पर एंटरप्रेन्योर द्वारा कर्मचारियों में उसका कुछ प्रतिशत भाग बांटना। बिल्कुल सही बात है, अगर हम अपनी फैक्ट्री को कहीं किसी भी ऑफिस में किसी भी फील्ड में डेवलप करना चाहते मुनाफा हुआ है उसका हिस्सा बांट दे, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को भी लगता है कि हमारी मेहनत कामयाब हुई है, हमारी मेहनत हमारे जो मालिक ने हमें उसका फल दिया है, तो उससे क्या होता है कि उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है, वे खुश होकर ज़्यादा कार्य करते हैं, उत्साह के साथ कार्य करती हैं। और बच्चों आप लोगों को पता ही है जब कोई कार्य उत्साह के साथ किया जाता है तो कार्य अच्छा भी होता है और सफल भी होता है ना, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर हम बर्डन समझ कर करते हैं तो वो कार्य हमें बोझ तो लगता ही है, हम उस कार्य को बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं कर पाते और सफलता भी नहीं मिलती। इसलिए बच्चों किसी भी फील्ड में किसी भी फैक्ट्री को ऑफिस को प्रोग्रेस तरक्की करने के लिए उसके सारे एम्प्लॉय का खुश होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बच्चों चलिए दो प्रश्न और दिए गए हैं, कर्मचारी और एंटरप्रेन्योर के बीच भरोसा होने से कार्य अच्छा कैसे हो सकता है, ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन कैसे अधिक प्रगति करता है। तो इन चारों के ही उत्तर मैंने नीचे लिखकर आपको दिए हैं, चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? किसी पर विश्वास करना और विश्वास बनाए रखना, बच्चों मैंने तो अपनी समझ लिखी है, जो मेरे अंदर की फीलिंग्स थी मैंने वो सारी लिखी हैं। आपके अंदर अगर कुछ और थॉट आ रहा है, कोई और समझ आपकी विकसित हो रही है, तो आप वो ज़रूर लिख सकते हैं इसमें। किसी पर विश्वास करना और विश्वास बनाए रखना दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हमें लोगों पर विश्वास करना भी होगा और लोगों का विश्वास खुद पर बनाना भी होगा। कोई व्यक्ति किसी के लिए बुरा हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह हमारे लिए भी बुरा हो। तो एक बार हमें ज़िंदगी में सभी पर विश्वास करके देखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी में किस टाइम किस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि मनुष्य का जीवन तो आपको पता ही है आवश्यकताओं से भरा। ये सेकेंड नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, कोई हमारा विश्वास तोड़ दे या किसी का विश्वास हम तोड़ दें तो क्या हो सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर हम पूरा विश्वास करते हैं, अगर कोई परिस्थिति आने पर या कठिन परिस्थिति आने पर वह व्यक्ति हमारे विश्वास पर खरा नहीं उतरता तो आगे भविष्य में फिर हम उस पर दोबारा विश्वास नहीं कर पाते, और ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में किसी का भी विश्वास नहीं जी सकता, क्योंकि एक बार अगर किसी का विश्वास टूट जाता है तो दोबारा विश्वास बनने में बहुत टाइम लग जाता है, कोशिश करते हुए भी हम दोबारा उस पर इतना विश्वास नहीं कर पाते जितना कि पहले कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, कर्मचारियों और एंटरप्रेन्योर के बीच भरोसा होने से क्या कार्य अच्छा हो सकता है? यदि कर्मचारियों को उनके कार्य के बदले प्रतिफल मिलता है ना, तो इससे कर्मचारियों का उत्साह बढ़ता है, मन लगाकर ज़्यादा कार्य करते हैं, कार्य को दबाव समझकर नहीं करते, उनकी कार्य कुशलता बढ़ती है, और कभी आवश्यकता पड़ने पर अगर ज़्यादा काम आ रहा है फैक्ट्री में ऑफिस में तो ज़्यादा समय तक कार्य भी कर देते हैं एम्प्लॉयज़ अगर खुश होते हैं तो। और अगर खुश नहीं रखते, उन्हें प्रॉपर उनकी सैलरी नहीं दी जाती, तो मुनाफा का प्रतिशत उन्हें नहीं मिलता, तो कभी भी फिर इस तरह से एडजस्टमेंट नहीं होता कर्मचारियों के बीच में। और जब कर्मचारी मन लगाकर कार्य करते हैं तो कार्य के सकारात्मक परिणाम निकलते ही हैं बच्चों, आपको पता है, इसीलिए जो भी मुनाफा होता है उसको एम्प्लॉयज़ में ज़रूर बांटना चाहिए, तभी सकारात्मक परिणाम होते हैं और कंपनी तरक्की की तरफ जाती है। ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन कैसे अधिक प्रगति करता है? ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन को लाभ होता है, क्योंकि अगर हमें कोई सामान किसी भी दुकान पर सही और सस्ते मूल्य पर मिलता है तो हम तो उस दुकान से सामान लेते ही हैं, साथ ही अन्य लोगों को भी सुझाव देते हैं कि वह उस दुकान जो ये 4 प्रश्न वो प्रश्न थे जो आपकी आज की वर्कशीट में दिए गए थे, और मैंने उनकी अपनी समझ के अनुसार उत्तर लिखे हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में उत्तर लिखे हैं। बच्चों आपको कुछ और उत्तर लिखने हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, और साथ ही बच्चों जो आज की वर्कशीट में मैंने आपके साथ शेयर किया है बात आप लोग नहीं भूलोगे। आपको किसी के विश्वास को नहीं तोड़ना है, आपको समाज को प्रगति की राह पर लेकर जाना है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
थैंक यू।